राजा बलि की विष्णु पुराण में। राजा बलि के दरवाजे पर श्रीमद् भागवत में आता है कि भगवान भिक्षा मांगने के लिए गए। सुनी कि नहीं सुनी आप लोगों ने? तीन पग भूमि मांगी थी राजा बलि के दरवाजे पर बामन भगवान। राजा बलि कौन था? कौन? पूर्व समय का जुआरी, जुआ खेलने वाला, जुआ खेलने वाला जुआरी। अपने जुए में हारता गया, हारता गया, हारता गया। दोस्त बैठे थे जुआ खेलने के लिए, उन्होंने कहा क्या लगाएगा तेरे पास लगाने के लिए? कुछ नहीं है। जुआरी कथा में अब भी आया। जुआरी गया, एक महाराज जी छाता कमंडल पादुका आसन सब लेकर बैठे थे, वो स्नान करने गए। जुआरी इनका सारा सामान चोरी करके भाग गए। जुआरी सामान लेकर गया, जुए में उसने छाता कमंडल पादुका आसन सब लगा दिया। चोरों ने विचार करा, जुआरियों ने विचार करा कि हमेशा हारता है, आज भी हारेगा। सब ने अपनी अपनी दौलत पूरी लगा दी और मालूम पड़ा आज वो जुआरी जो हारता था वो जीत गया, जीत गया, करोड़पति बन गया। अंबर धन दौलत बहुत हो गई। और जब धन बढ़ता है तो तीन मित्र बढ़ते हैं, धन बढ़ता है तो तीन दोस्त बढ़ते हैं। पहला ताली, धन बढ़ने से प्रशंसा करने वाले बढ़ जाते, बहुत बढ़िया भैया, लगे रहो भैया, क्या बात भैया, प्रशंसा करने वाले बढ़ जाते। दूसरे नंबर पर थाली, धन बढ़ते से ही खाने वाले बढ़ जाते हैं, होटल में ले जाने वाले बढ़ जाते हैं। चलो आज पार्टी मनाएंगे, चलो उस होटल में चलते हैं, बड़ा एंजॉय करेंगे, पार्टी मनाएंगे। धन बढ़ते से ही थाली मित्र बढ़ गए, ताली मित्र बढ़ गए, और धन बढ़ते से ही प्याली मित्र बढ़ गए। मैं खाने में पीने वाले भी बढ़ जाते हैं जैसे धन बढ़ता है। तीन मित्र बढ़ गए, वो जुआरी के तीन मित्र बढ़ गए, सारा बर्बाद करने वाले बढ़ गए। एक वेश्या का संग आ गया। वेश्या ने कहा सुनो, मेरे बालों में लगाने के लिए गजरा लेकर आना कल आओ, और खाने का पान लेकर आना। जुआरी नशे में धुत होकर गजरा और पान लेकर चला, ठोकर खाकर जमीन पर गिर गया। गिर गया तो गजरा और पान भी जमीन पर गिर गया। उसको होश आया, मुझे वेश्या के यहाँ जाना था। गजरा तो मिट्टी में हो गया, पान मिट्टी में हो गया। सामने शिवालय था, एक ओटले पर शंकर जी बैठे हुए थे, शिवलिंग रखा हुआ था। इसको गुस्सा आ गया, ये शंकर भगवान ने नजर लगा दी मेरे पान पर और गजरे पर, इसकी नीहत लग गई। इसने गजरा और पान उठाया, मिट्टी का धूल में सना हुआ शंकर के मंदिर में ले जाकर फेंक दिया। शिव के मंदिर में ले जाकर डाल दिया, ले तू खा ले। और नशे में धुत था, चले गया। चार दिन के बाद कहीं नशे में डूब कर पानी में मर गया, ऊपर गया। धर्मराज ने कहा इसके पाप पुण्य देखो कितने। चित्रगुप्त महाराज ने कहा इसने सारे पाप करे हैं, बस एक पुण्य करा है। शंकर जी के मंदिर में गजरा और पान दिया था, एक पुण्य करा है। शंकर जी के मंदिर में गजरा और पान दिया था। इतने में धर्मराज बोले ये पुण्य नहीं करा, नशे में था। वेश्या गजरा नहीं लेती मिट्टी का, वेश्या पान नहीं लेती मिट्टी का, इसलिए शंकर जी के ऊपर फेंक दिया था। चित्रगुप्त महाराज ने कहा भले फेंका, नशे में भी शंकर तो याद था, नशे में भी शिव तो याद था। फेंकने को नल्ली में गटर में फेंक देता, पर शंकर के ऊपर फेंका, शंकर तो याद था। कई लोग कहते हैं यहां का जल मत चढ़ाओ वो गंदा है, वहां का जल मत चढ़ाओ वो गंदा है। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के करीब में जाने पर धतूरा भी कीमत वाला बन जाता है। शंकर के करीब में जाने पर तो राख शमशान की भी भस्म भी करोड़ों में बिक जाती है। शंकर के करीब में जाने पर तो एक मिट्टी भी सोना बन जाती है। तो शंकर के करीब में जाने से जल भी गंगा जल बन जाता है, जल भी गंगा जल बन जाता है। शिव के करीब में जब जाता है तो, शंकर के करीब में जाता है तो गंगा जल बन जाता है। शिव के करीब में गया, गंगा जी में बहुत सारी फैक्ट्रियों का पानी जाता है, बहुत सारा गंदा पानी भी गंगा में जाता है, पर गंगा जल बन जाता है। यमुना जी में
दिल्ली की फैक्ट्रियों का पानी जाता है, आगरा की फैक्ट्रियों का पानी जाता है, गंगा पानी जाता है तो भी वो यमुना का जल बन जाता है, छिपरा जी में ढेरों पानी जाता है पर वो छिपरा का जल बन जाता है, सरयू में, कावेरी में, गोदावरी में, गंगोत्री में, नर्मदा में ढेरों जल जाता है वो जल बन जाता है। उसी तरह जल हमेशा पवित्र रहता है, उसकी पवित्रता कभी समाप्त नहीं होती, उसमें चाहे कितना भी मिल जाए, जल जल होता है। बोल बम का नारा है बाबा एक सब, बुद्धि में कीचड़ भर गया तुम्हारे, बुद्धि में भरा, कह दिया चित्रगुप्त महाराज ने नहीं, इसको नशे में भी शिव याद है, इसको नशे में भी शंकर याद है, इसको नशे में भी शिव दिख रहा, नशे में शिव। एक एक बहन ने पत्र लिखा है, उस पत्र में बहन ने लिखा हमारे पास में गंगा जल नहीं है, हमारे पास में पवित्र नदी नहीं है, हमारे पास में कोई बड़ा कुंड बावड़ी नहीं है, हम जल कहां का चढ़ाएं अपने देवालय शिवालय में। मेरी उस बेटी से निवेदन है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में जो नदी हो, जो बावड़ी हो, जो तालाब हो, जो कुंड हो, उसी का जल ले जाकर चढ़ा देना, मेरा महादेव गंगा जल के बराबर स्वीकार करेगा, मेरा शंभू उसको गंगा जल के बराबर स्वीकार करेगा, तुम्हारे पास में जो हो, तुम्हारे नजदीक में जो हो, तुम्हारे करीब में जो हो, उसका जल लेकर जाओ, तुम्हारे पास में जो, तुम्हारे करीब में जो है उसका जल। देवराज शिव के मंदिर कोई पुण्याई थी, एक गजरा और बीड़ा गया, उस पुण्याई के बल पर देवदी ने महादेव की कथा कहती है कि धर्मराज ने कह दिया चित्रगुप्त महाराज जितने कदम चलकर ये शंकर जी के मंदिर तक पहुंचा है उतने समय के लिए इसको इंद्र का राज्य दे दो, और इंद्र का राज्य उस जुआरी को मिल गया था जिसने सब दान कर दिया था। तब भगवान विष्णु ने कह दिया था रे जुआरी तूने इतना दान करा, मेरा मन करता है तू पृथ्वी पर राजा बलि बनेगा और मैं तेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आऊंगा, भिक्षा मांगने के लिए, नारायण भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे हैं उसके दरवाजे पर, जिसने केवल गजर और बीड़ा मिट्टी में सना हुआ बेकार बेकार मिट्टी में सना हुआ वो दे दिया। कई लोग कहते गुरु जी हम शंकर जी पे से चढ़ी हुई बेलपत्र चढ़ाते हैं वापिस शंकर जी को, वो गंदी हो जाती होगी, वो उसमें मिट्टी लग जाती होगी, वो चढ़ी चढ़ाई है, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर शंकर जी का है, शंकर पर चढ़ा हुआ फूल भी शंकर को उठाकर चढ़ा दिया, शंकर को चढ़ी हुई बेलपत्र भी शंकर को चढ़ा दी, शिव जी के चढ़े हुए पुष्प से ही श्रृंगार कर दिया तो भी शंकर स्वीकार करते हैं, वो ये समझते हैं कि तू लेकर आया तो भी शिव स्वीकार कर, अपनी बुद्धि में ही बिठा लीजिए कि हमारा नगर, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारी बावड़ी, हमारे गांव में जो नदी, हमारे शहर में जो नदी है, हमारे गांव में जो कुंड है, हमारे नगर में जो बावड़ी तालाब है, वो भगवान शंकर के लिए श्रेष्ठ है, शिव के लिए श्रेष्ठ। कितनी गंदगी हमारे अंदर भरी होती है, तुम्हारे अंदर मलमूत्र कितना भरा हुआ है, गंदगी कितनी भरी हुई है तो भी हमारा शंकर हमें स्वीकार करता है कि नहीं करता, बोलो तो जम के। इतना गंदगी भरी हुई है, दिन भर निंदा, दिन भर चुगली, दिन भर अपशब्द, दिन भर गाली, दिन भर आड़ा टेढ़ा, दिन भर इन नैनों से गलत देखना, इन कानों से गलत सुनना, गलत बोलना, हम दिन भर इतना गंदा कार्य करते तो भी तो शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं, तो भी हम हनुमान जी के मंदिर में दो अगरबत्ती लगाने जाते हैं, तो भी हम राम जी के मंदिर में पूजन करने जाते हैं, तो भी हम कृष्ण के मंदिर में जाते हैं, भगवान हमारे अंदर इतनी गंदगी भरी है स्वीकार करता है, तो जरा विचार करिए वो शिव है। शांताकारं भुजंगशयनं सहज, कर्पूर गौरम करुणावतारम सहज, सरल है शिव को